The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Today I am Dr. Paramjeet and you're watching Dr. Education. Welcome back to my channel. और जैसे कि आप जानते हैं हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में वीडियोस बनाते हैं. हम कंपेयर करेंगे कौन सा अच्छा कौन सा बुरा क्यों अच्छा, राइट? दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉलम इज़ फॉर प्रोटीन्स, दिस वन इज़ फॉर प्रोटीन्स, कितना प्रोटीन है इसके. और ये सारी की सारी प्रोटीन्स की जो मात्रा है, ऑल द वैल्यूज आर ऑफ 100 grams. सेकेंड आर द कार्ब्स, थर्ड इज़ द फैट, फोर्थ हम कंपेयर करेंगे कुछ ना कुछ. पॉइंट इज दिस विल गिव यू प्रोटीन्स, 30 grams यहाँ से, 10 grams यहाँ से, 10 grams यहाँ से, 10 grams यहाँ पे. यू आर गेटिंग गुड प्रोटीन्स, नेचुरल प्रोटीन्स. फिर वॉट इज द फोर्थ सोर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहा है? सोया हो गया, लेग्यूम हो गया, सोयाबीन हो गया, बंगाल ग्राम का भी एक दे दिया हमने भी, चलो. ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गया, पोटैटो हो गया, नट्स पे आते हैं, नट्स एंड सीड्स. क्यों बोलते हैं कि एक मुट्ठी बस, जितने भी आपने ड्राई फ्रूट्स खाने, एक मुट्ठी खाना है, दो मुट्ठी, तीन मुट्ठी भर भर के नहीं खाने, इसलिए बोलते हैं बिकॉज ऑफ दिस. 30-60% फैट्स, 100 grams नट्स और सीड्स में 30-60% फैट है, चाहे वो पीनट हो, ये नीचे सबसे पीनट हो या पीनट बटर हो, पीनट बटर में 50% फैट, पीनट में 49% फैट, पर प्रोटीन भी ज़्यादा है, 25%, 26%, कार्ब 20-16, इसलिए इसको ले सकते हो, बिकॉज दीज फैट्स आर ओके, थोड़ा बहुत गुड फैट्स हैं. सो एक चम्मच, दो चम्मच दिन में दो बार, एक बार ले सकते हो, दिस इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स हाई प्रोटीन, हाई न्यूट्रिशन. इस जैसे आप एक से दो मुट्ठी, एक मुट्ठी ये ले सकते हैं, कोई भी नट्स, पीनट्स, एक चम्मच सीड्स, कुछ भी ले सकते हो. इससे आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्ब्स भी मिलेंगे, फैट भी मिलेगा, गुड फैट्स. मशरूम्स 19 grams प्रोटीन, नॉट बैड, है नॉट बैड. 33 grams कार्ब्स, यानी रेशियो कितना हुआ, है ना, डबल से थोड़ा सा कम हुआ, डबल से कम हुआ, तो ये बेटर है. फैट का कम है, फैट कम है. ये ड्राइड वाले मशरूम जो आते हैं उनकी बात हो रही है, ड्राइड वाले, ड्राई मशरूम्स. तो मशरूम खाओ, प्रोटीन पूरा होगा. सीड्स खा सकते हो एक मुट्ठी, गुड ओमेगा थ्रीज मिलेंगे. मिल्क ले सकते हो, पनीर ले सकते हो. पनीर किससे करना, इन डबल टोंड या टोंड मिल्क से पनीर लो, दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन. फिर बात करते हैं एग्स पे. सब बोलते हैं दुनिया भर के लोग, एग खाओ, एग खाओ, बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, सस्ता है. और एग में, एग होल खाओगे 100 grams एग होल, तो 13 grams प्रोटीन मिलेगा, और कार्ब तो है ही नहीं उसमें खास, 9 grams के आसपास फैट है होल एग में, सारा उसके योक में ही है मोस्टली. क्योंकि जैसे ही हम वाइट में जाते हैं, वाइट में 10 grams प्रोटीन बच जाता है 100 grams में, और 100 grams वाइट में 0.06 grams फैट, फैट है ही नहीं मतलब ज़्यादा वाइट में, एग वाइट में प्रोटीन ही प्रोटीन, एग वाइट में प्रोटीन ही प्रोटीन. लेकिन अगर हम 100 grams एग वाइट की बात करें, 100 grams एग वाइट बनाने के लिए आपको 3-4 एग वाइट एग्स लगेंगे, 3-4 एग्स के एग वाइट से 100 grams बनेगा, और 2 एग येलो पूरे होल एग लगेंगे अगर आपको 100 grams बनाना है, तो 2 होल एग लगेंगे, समझ रहे हैं, 2 होल एग. तो 2 होल एग से 13 grams प्रोटीन मिलेगा सिर्फ. सो सोय से तो पास में भी नहीं आता कहीं पर भी, और सोय भी कंप्लीट प्रोटीन है, ये भी कंप्लीट प्रोटीन है, दूध भी कंप्लीट प्रोटीन है. इनकम्प्लीट प्रोटीन कौन सा है, वो ये है, ये लेग्यूम्स और ये इस दो चक्री, ये दोनों इनकम्प्लीट है, राइट? तो ये वाला इनकम्प्लीट है, ये वाला इनकम्प्लीट है. इनकम्प्लीट प्रोटीन क्या है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो आएगा, लेकिन ये बात याद रखो, इसका और इसका रेशियो एक साथ हो गया ना 1:1, तो कंप्लीट हो गया. बस मतलब जितना राइस रोटी खाई उतना दाल खा लिया, बस 1:1 कंप्लीट हो गया प्रोटीन, खत्म, टेंशन ही खत्म, फिर कंप्लीट करने की बात ही नहीं आई, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट चीज. सो हमारी पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये छठा ऑप्शन हो गया आपका, सिक्स्थ ऑप्शन, सिंपल एज अ पिंपल.
एग भाई साहब, एग खा लो, कोई दिक्कत नहीं है, एग है अवेलेबल, खा लो जितने हैं, जितने खाने खाओ बस। हाँ, एग येलो एक या ज़्यादा से ज़्यादा दो, एग येलो एक या दो, होल एग एक या दो बहुत हो गया तो। एक बहुत सेफ है, दो जो एक्सरसाइज करते हैं उनके लिए ठीक है, एग वाइट जितने मर्जी खा लो। बट क्या है कि हर चीज़ उससे नहीं मिलेगी, आपको दूसरी भी चीज़ें खानी ज़रूरी है। सो उतना भी एपेटाइट होना चाहिए, एग वाइट, सिर्फ एग वाइट खाना मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। 5-6 खा लिया बहुत हो जाता है, 10-10 12-12 खाने मुश्किल हो जाते हैं, लोग फिर बोलते हैं वैसे खाए नहीं जा रहा। सो इसलिए इट योर ईटिंग शुड बी प्लेजरेबल ऑल्सो, मज़ा भी आना चाहिए। सो मज़ा आएगा हिसाब से खाने में। सो एग थोड़े खाओ, थोड़ा दूध पियो मस्त, उसमें जो डालना है डालो, दूध में अपना डाल के प्रोटीन खाना है अपना, तुमको जो डालना है डालो, मीठा डालना है, कॉफ़ी डालनी है, वट एवर, नट्स खा लो, पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ग्रीन, दाल, चावल, रोटी, सोया चंक्स, क्या नहीं खा सकते हो, सब खा सकते हो इन क्वांटिटी। क्वांटिटी मैटर करती है, किलो किलो नहीं खाना है रोटी चावल, सबसे कम रोटी चावल खाने हैं, दाल कम। फिर आते हैं नॉन वेज पे, चिकन, मीट, फिश, राइट। चिकन, मीट, फिश भाई साहब पता ही है सबको, अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट चीज़ें। चिकन खा लो, मीट खा लो, फिश खा लो, फिश में सबसे ज़्यादा है 20 से 22, चिकन में 17 से 22, और मीट में फिर 20 से 22 पर 100 ग्राम्स। चाहे लीन पार्ट ले लो, चाहे दूसरा, अगर लीन पार्ट लोगे जैसे चिकन ब्रेस्ट हो तो ये 22 होगा और फैट कम होगा, 4 ग्राम होगा, और दूसरा पार्ट लोगे जिसमें फैट ज़्यादा होता है तो 12 होगा, तो फैट 4 से 12 हो सकता है चिकन में, फिश में फैट 5 से 20 हो सकता है, कुछ फैटी फिशेज आती हैं, राइट, कुछ नॉन फैटी फिशेज आती हैं, फिश फिश पे डिपेंड करेगा, बट अ पॉइंट इज 100 ग्राम में आपको अप्रॉक्सीमेट 20 ग्राम मिल जाएगा, मीट, चिकन, फिश, कुछ भी 100 ग्राम में। तो 100 ग्राम में 20 ग्राम मिलेगा होल प्रोटीन, बढ़िया कंप्लीट प्रोटीन। तो आप 100 ग्राम या 200 ग्राम, एक तंदूरी चिकन भी अगर कोई खाता है क्वार्टर, वो 200 ग्राम का है। सो 200 ग्राम क्वार्टर खा लिया तो 40 ग्राम तो यही हो गया है ना, बढ़िया है, ये भी खा सकते हैं, सातवा ऑप्शन आपके पास ये है। अब बात आती है कि क्या खाएं, सस्ता कैसे करें इसको। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लोग पूछते रहते हैं कि सर बहुत पैसे लगते हैं बॉडी बनाने में, पतले होने में, मैं डाइट नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। इसको देखो, फिर अपने घर में देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपकी पता क्या है, प्रॉब्लम ये नहीं है कि सस्ता नहीं करना है, प्रॉब्लम ये है कि आपके पास जो पड़ा है आप वो खाने की जगह, उसमें बैलेंस करने की जगह आप नया खरीदने जाते हो। आपके घर में जो रोज़ बनता है, आपके हॉस्टल में जो रोज़ मेस में मिलता है, आपके पास जो डब्बा टिफ़िन रोज़ आता है, उसकी क्वांटिटी मेजर करके उसको अगर आप बैलेंस कर लो और उसमें जो कमी है उसको पूरी कर लो, बेस्ट ऑप्शन है। आपके पास दाल तो बनती बनती है, चावल तो बनता ही बनता है, सबके पास दाल बनती है, सब्जी बनती है, सब्जी खा लो, वेजिटेबल खा लो। वेजिटेबल कितनी सस्ती है बताओ, जो सस्ती वेजिटेबल है, जो आपको सस्ती मिल रही है वो कुक कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मौसम में आ रही है वो वेजिटेबल खाओ, भर भर के खाओ, भर भर के खाओ। अगर आप वेजिटेबल पूरे दिन में अच्छी क्वांटिटी, आधा किलो भी खा लोगे, आधा किलो खा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, राइट, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आधा क्या, 1 किलो खा सकते हैं, सब्जियां भी खा सकते हैं, पकी हुई या कच्ची, सलाद भी खा सकते हैं, 1 किलो वेजिटेबल्स रोज खा लोगे तो कम से कम भी 1 किलो में 10 से 20 ग्राम प्रोटीन आपको वहीं मिल जाएगा, है ना, 10 से 20 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा, कार्ब्स मिल जाएंगे, एनर्जी मिल जाएगी, फैट है ही नहीं। सो ईट ऑल वेजिटेबल जो अवेलेबल है, सस्ता वाला जो घर में बनता है, वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। फ्रूट्स महंगे महंगे है ना, सो मिलते हैं तो खा लो, नहीं मिलते कोई बात नहीं, वेजिटेबल्स खाओ, वेजिटेबल्स तो सस्ती हैं, है ना। फिर घर में आलू सस्ता है, आलू खा लो, फ्रूट का कॉम्पिटिटर हो गया आलू, आलू खा लो, फ्रूट उतने जितना है ऑलमोस्ट, आलू खा लो, आपको कार्ब मिल जाएगा। लेकिन अब बात आ रही है कि प्रोटीन पूरा करना है, तो आलू की जगह जहाँ जहाँ पर आलू का रेशियो देखो, आलू का रेशियो भी 1:10 है, ये 1 है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 10, 12, 2 है तो 20, ये भी बिल्कुल इसके जैसा मेल खा रहा है, 1:10, इसलिए आलू कम खाओ बोलते हैं, रेशियो के लिए बोलते हैं,
तो रेशियो किसका ज़्यादा है? ऑब्वियसली नॉन वेज तो बहुत ही ज़्यादा रेशियो है, नॉन वेज में काब है ही नहीं। सो अंडा खा सकते हो, अंडा खा लो, चिकन खा सकते हो, चिकन खा लो, वो आपके ऊपर है। वेयर डू यू गेट इट? बाहर से लेना है, सस्ता नहीं है, घर में बनता है, तो वो अलग बात है, राइट? रेट आप जानते हो अंडे का कितना है, एक अंडे का या 12 अंडे का, अंडा घर में लेके उबालने का, चिकन का, चिकन को घर में बनाने का, बाहर से लेने का, यू नो ऑल द रेट्स। सो अंडरस्टैंड, घर में जो बन रहा है वो खाओ, सोया खाओ कम में, और कम में बम करना है तो 50 से 100 ग्राम सोया रोज खाओ, सोया चंक्स, बहुत सस्ता, फैट फ्री, बढ़िया प्रोटीन, विदाउट एनी डाउट प्रोटीन भी पूरा होगा। सोया खा लो, सोयाबीन खा लो, नट्स खा लो या पीनट ले लो, ड्राई फ्रूट्स नहीं है आपके पास, पीनट्स खा लो, पीनट सस्ते हैं, पीनट्स खा लो, एक मुट्ठी या 2 चम्मच दूध पी लो, दूध सस्ता है, दूध तो सस्ता है, डबल टोन दूध कितने का है, एक पैकेट कितने का है, 15-20 रुपये, और क्या है ना, 5 लीटर 500 ml, 15-20 रुपये, 25 रुपये, और क्या, दिस इज डबल टोन, स्किम्ड वाला ले लो, ये सस्ता है। सो दिस इज द वे टू एक्चुअली गो थ्रू योर डाइट, कंप्लीट 1:1 प्रोटीन्स। जितना आपने प्रोटीन लिया, मान लीजिए आपको 150 ग्राम प्रोटीन लेना है, सो आप कोशिश करो कि आप कार्बोहाइड्रेट भी 150, 200, 300 ग्राम तक ज़्यादा ज़्यादा लो, 1:2 कर लो, चलो बहुत हो गया तो 300 ग्राम तक ले लो। बट अंडरस्टैंड, प्रोटीन ये सारा का सारा जितना खाओगे उनकी बायो अवेलेबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है, राइट? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब है कि अंडा हो गया, 100% अंडा जाएगा आपके खून के अंदर, लेकिन आपने प्रोटीन खाया 150 इनमें से, सब्जियों में से, तो वो पूरे का पूरा बायोअवेलेबल नहीं है, वो 60% होगा। सो इसका मतलब आप 150 की जगह 200 भी खा लो, 200 ग्राम प्रोटीन खा लो, 250 खा लो, अल्टीमेटली उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है ना। सो प्रोटीन की बायोअवेलेबिलिटी कम है, लेकिन एक्स्ट्रा वाइटामिन तो मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा फाइबर भी मिल रहा है, सस्ता भी है, सो क्या दिक्कत है ना। सो 250 ग्राम प्रोटीन खा लो आप, 250 ग्राम प्रोटीन खा लो, लेकिन इधर से खाओ, जिसकी बायोअवेलेबिलिटी कम है, जिसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, चिकन की, फिश की, एग की, उनको आप, वो भी आप 200 ग्राम खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 200 ग्राम में आपको कितना मिलेगा प्रोटीन? 40, 250 ग्राम खा सकते हो, 300 ग्राम खा सकते हो, बट 200 ग्राम प्रोटीन मिले उतना नहीं खा सकते, क्योंकि 200 ग्राम प्रोटीन मिलेगा मतलब है कि आपको एक एक किलो, डेढ़ डेढ़ किलो रोज चिकन खाना पड़ेगा, दैट इज टू मच। खा भी सकते, कई लोग खाते हैं, मतलब पॉइंट समझिए बात क्या हो रही है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कोई भी आपको कुछ भी डाइट बना के दे देगा, सुबह ये खाओ, शाम को ये खाओ, सुबह ये खाओ, शाम को ये खाओ, एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हियर, सब यहीं पकड़ के निचोड़ आ जाएगा, क्या खाना है चूज करो, इसमें से ले लो, ये इतना है, इतना है, इतना है, मोटा मोटा मेरे कितने कार्ब्स हुए, मोटा मोटा मेरे कितने हुए, जहां तुम्हारे कार्ब्स प्रोटीन से 2 गुना से ज्यादा होगा, यू आर डूइंग एब्सोल्युटली रॉन्ग। अगर तुम्हारा एट द एंड कार्ब्स 1:1 हुआ, यू आर गोइंग टू लूज वेट, 1:1 कार्ब्स लूजिंग वेट इज अनिवार्य, 1:2 कार्ब्स मेंटेन हो जाएगा, 2 से ज्यादा वेट गेन हो जाएगा, समझ रहे हैं? ये हुई बात। अब ये मेहनत का फल है, जो भी है लिख लिया हमने, IFCT का आपको रेफरेंस चाहिए वो आप देख सकते हैं इंटरनेट पे, IFCT 2017 इंडियन फूड कंपोजिशन टेबल, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, IFCT 2017 लिखोगे आ जाएगा PDF, डाउनलोड करो, सब मिल जाएगा उसमें, किस खाने में कितना क्या है, ठीक है दोस्तों। सो ये हुई सारी बात आज की, रात को थोड़ा लेट जाग के हमने कहा कुछ नया बनाते हैं बढ़िया सा, सो ये हुआ आपके लिए वीडियो। तो देखते रहिए डॉक्टर एजुकेशन, और ऑलवेज स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।